गाजियाबाद के इंजीनियरिंग छात्रों का एक नया प्रोजेक्ट चर्चाओं में बना हुआ है। दरअसल ये प्रोजेक्ट ऑटोमेटिक ईवी चार्जिंग स्टेशन का है, जहां पर ईवी गाड़ियों को किसी चार्जर और सॉकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि गाड़ियां इन जगहों पर जाते ही ऑटोमेटिक चार्ज हो जाएगी। इस नए आविष्कार के बारे में हमने हाईटेक इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों से समझा। हमारी जो प्रोजेक्ट लैब्स हैं, लैब्स इसलिए बोला क्योंकि हर डिपार्टमेंट की अपनी खुद की एक प्रोजेक्ट लैब है, और इस बार हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स ने प्रोजेक्ट लैब में एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है, उसका डेमो भी तैयार किया है। और ये डेमो ऐसा है, ये प्रोजेक्ट ऐसा है जो वर्ल्ड में अभी तक सिर्फ एक ही जगह इम्प्लीमेंट हुआ है, और वो एक बहुत बड़ी कार की कंपनी ने किया है। यही चीज़ हमारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पर की है। अभी फिलहाल जो बाकी की प्रोसेस है वो आप स्टूडेंट से जाने तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर स्टूडेंट्स की हेल्प की बात करें तो फैकल्टी कैसे उन्हें हेल्प करती है प्रोजेक्ट को मॉडरेट करने में, उसे और अच्छा करने में? देखिए, आज के टाइम में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत बड़े लेवल के हैं, जिसमें से एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स भी है। तो जो स्टूडेंट ने काम किया है वो फैकल्टी की गाइडेंस में ही काम किया है, और लेटेस्ट काम है ये, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के ऊपर काम है, जो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा फैलेगा, बहुत ज़्यादा उसे ज़रूरत होगी नई नई चीज़ों की, नए नए चेंजेस की। तो फैकल्टी पूरी तरीके से बच्चों के साथ है, स्टूडेंट्स के साथ है। सर, ये प्रोजेक्ट एक वायरलेस ईवी चार्जर चार्जिंग स्टेशन का डेमो है, तो सर इसको बनाने के लिए मेरे पड़ोसी हैं, उन्होंने एक ईवी खरीदी थी, तो उनके पास इतना स्पेस नहीं था कि वो टिपिकल चार्जर लगवा सके जो ईवी के साथ आता है, क्योंकि उसके लिए स्पेस चाहिए होता है, और उस गन के लिए आसपास कम से कम एक मीटर स्पेस खाली होता है, तो उनकी पार्किंग छोटी थी। इसलिए ये जो प्रोजेक्ट है ये शो करता है कि हम एक वायरलेस चार्जिंग से भी चार्ज कर सकते हैं जो स्पेस नहीं घेरेगा, क्योंकि ये जो इसका चार्जिंग पैड है ये अंडरग्राउंड आ जाएगा, इसका सारा इम्प्लीमेंट अंडरग्राउंड हो जाएगा, तो उससे स्पेस बचेगा, तो वो गाड़ी पार्क करके वहाँ पे उसको चार्ज कर सकते हैं। तो ये आइडिया मैंने वहाँ से लिया, और इसमें मैंने ये आइडिया अपने टीचर को बताया, सुमित सर को, और हमारे HOD उन्होंने हमें आइडिया दिया कि ये किस तरह से हमें तैयार करना है। इसमें अगर हम चार्जिंग देखा जाए एक टिपिकल वायर्ड चार्जर के मुकाबले, तो चार्जिंग टाइम थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी 70% होती है, और उसके हिसाब से अगर टाइम बढ़ेगा तो हम इसको एक एडवांटेज के तौर पे भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर एक लिथियम आयन बैटरी को चार्ज करते हैं फास्टली तो वो हीट होती है और उसकी लाइफ कम होती है, तो इसको अगर स्लो भी चार्ज करेगा ये चार्जर तो उसकी लाइफ बढ़ेगी। बच्चों ने पहली बार इलेक्ट्रिक व्हीकल पे प्रोजेक्ट लाया था, तो पहले तो एक नया प्रोजेक्ट आया था ईवी से रिलेटेड, और बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट था, क्योंकि जैसे अभी सिनेरियो देखा जा रहा है चार्जिंग स्टेशन के अभाव में, वैसे इस प्रोजेक्ट को लाने के लिए बच्चों को ये बोला गया कि इसको वाईफाई और इंडक्शन प्रिंसिपल पर लाकर प्रोसेस करें, ताकि जो बड़ी कंपनीज हैं उनके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम कुछ नया लाकर MSME के थ्रू मार्केट में।